मोदी पर मुखर ममता दीदी बदली बदली दिखी। अचानक ममता बनर्जी के तेवर पड़े ढीले। ईडी सीबीआई के दुरुपयोग पर दिया बड़ा बयान। बंगाल के मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच तलखी की चर्चा हमेशा होती है। ममता जब भी मौका मिलता है केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधने से नहीं चूकती, लेकिन अचानक उनके तेवर बदले बदले से लग रहे हैं, क्योंकि बंगाल की विधानसभा में सोमवार को जो बात ममता बनर्जी ने कही वो उनकी पार्टी के नेताओं को भी हजम नहीं हो रही। सोमवार को विधानसभा में केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ लाए गए निंदा प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ममता बनर्जी ने जहां तारीफ की, वहीं बीजेपी नेताओं पर जमकर निशाना साधा। मोदी के मुखर आलोचक ममता ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि राज्य में केंद्रीय एजेंसियों की कथित जातियों के पीछे प्रधानमंत्री का हाथ है। हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेताओं का एक तबका अपने हित साधने के लिए एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहा है। इसके साथ ही ममता ने बीजेपी के कुछ स्थानीय और केंद्रीय नेताओं पर भी उनकी सरकार के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। ममता ने कहा कि बीजेपी के कुछ नेता हैं जो हमारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। राज्य के प्रत्येक मंत्री, नेता और विधायकों का फोन टैप किया जा रहा है। वह इसके लिए प्रधानमंत्री को कुछ नहीं कहना चाहती। कल उनका जन्मदिन था। ममता ने प्रधानमंत्री से अपनी पार्टी के नेताओं पर लगाम कसने की अपील करते हुए यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि केंद्र सरकार का एजेंडा और उनकी पार्टी के हित आपस में न मिलें। ममता बनर्जी का विधानसभा में केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग व जातियों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित हो गया। बीजेपी ने सदन में प्रस्ताव का विरोध किया। प्रस्ताव के पक्ष में 189 वोट पड़े, जबकि विरोध में 69 वोट पड़े। ममता ने प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार तानाशाही पूर्ण तरीके से व्यवहार कर रही है। यह प्रस्ताव किसी खास के खिलाफ नहीं है, बल्कि केंद्रीय एजेंसियों के पक्षपातपूर्ण कामकाज के खिलाफ है। वहीं विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि इस तरह का सीबीआई और ईडी के खिलाफ प्रस्ताव विधानसभा के नियमों के खिलाफ। मालूम हो कि सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियां राज्य में कई मामलों की जांच कर रही हैं, जिनमें तृणमूल कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता आरोपित हैं। ममता ने इस दौरान नारद स्टिंग और शारदा चिटफंड मामले का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें तृणमूल के कई नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई। उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए पूछा कि इसी मामले में विरोधी दल के नेताओं के घर कितनी बार छापेमारी या पूछताछ हुई। ममता ने बीजेपी नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी को उनके खिलाफ एक भी आरोप साबित करके दिखाने की भी चुनौती दी। ममता ने कहा कि मैं चुनौती देती हूं, आप मुझे 24 घंटे का समय दें, हमारे हाथ में ईडी और सीबीआई दें, मैं दिखाऊंगी कि कहां से और कितनी नकदी निकलती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।